जिज्ञासा जागृत हो जाती है, फिर वह चैन नहीं लेता, उसे चैन नहीं मिलता, संसार छोड़ता है, दुनिया छोड़ता है, कंदराओं में, पहाड़ों में, जंगलों में खाक छानता है कि कैसे उसे सत्य का अनुभव हो, कैसे ये सत्य प्राप्त हो। ये प्रभु की जब दूसरी कृपा होती है तब होता है। मुझे भारत महाभारत का एक सुंदर किस्सा याद आ गया जो मैं आपके सामने रखूंगा। जब पांडव जीत गए और कौरवों का नाश हो गया, धृतराष्ट्र जो कौरवों के पिता थे हस्तिनापुर में रहने लगे अपने भतीजे युधिष्ठिर के पास, और वे बहुत दुखी रहते, सोचते रहते थे कि 100 पुत्र थे, इतना बड़ा राजपाट था, 100 के 100 चले गए, राजपाट सब विध्वंस हो गया। इसी सोच विचार में पड़े रहते। इनके भाई थे विदुर, विदुर सन्यासी थे। एक बार विदुर जी ने घूमते घूमते हस्तिनापुर आ गए और हस्तिनापुर आके जब उन्होंने अपने भाई की ऐसी दशा देखी तब बहुत दुखी हुए और सोचा कि मनुष्य जन्म है बड़ी मुश्किल से मिलता है और यह वृद्ध अवस्था कब चल पड़े, कुछ भरोसा नहीं, फिर कितने वर्षों तक इस काल चक्र में पड़े रहना, जीना मरना बहुत दुखी हुए। और ये अवसर देखते रहे कि कब ऐसा अवसर मिले कि मैं अपने भाई को चेताऊं और उन्हें सीधे रास्ते पर लगाऊं। संत लोग समय का इंतजार करते हैं, सही समय पर वार करते हैं ताकि खाली न जाए, तभी साधक कब तैयार है, तभी सच्चा ज्ञान ले सकता है। इसी इंतजार में रहे, 3 दिन से ज्यादा कहीं ठहरते नहीं थे। सन्यासी थे, उनका धर्म था एक स्थान पर 3 दिन से ज्यादा न ठहरे, लेकिन क्योंकि बड़े भाई का मामला था इसलिए ज्यादा रुकना पड़ गया, रुक गए और समय का इंतजार करने लगे। एक रोज उन्होंने देखा कि धृतराष्ट्र का मूड अच्छा है, स्वभाव ठीक है, प्रसन्नचित है। अच्छा सर जानकर उन्होंने धृतराष्ट्र से बात करते करते कहा कि भाई साहब मैं आपको एक बड़ा सुंदर किस्सा सुनाता हूँ अपना, बहुत सुंदर अवसर है। और उन्होंने कहा कि अपना अनुभव बताया, कहा कि मैं एक सन्यासी हूँ और सन्यास के नाते हमारा काम देश ठाटन का है, घूमते रहते हैं, नगर नगर जाते हैं, देशों में जाते हैं, गांव में जाते हैं, हमने बड़े बड़े देश देखे हैं, पहाड़ देखे हैं, कंदराएं देखी हैं, समुद्र में घूम जाते हैं, घूमते रहते हैं, बहुत से मुल्क देखे हैं। और बोले कि एक बार घूमते घूमते मैं असम के जंगलों में निकल गया और असम में इतनी लंबी लंबी घास होती है, इतने घने जंगल। एक बार मैं असम में गया तब क्या देखा, एक पंडंडी में जा रहा था, पंडंडी छोटा रास्ता जंगलों में जो होता है उससे रास्ते पे चला जा रहा था, तब मैंने क्या देखा कि सामने से एक सुंदर व्यक्ति, बड़ा हिस्पुष्ट ब्राह्मण पुत्र चला रहा है, शरीर बड़ा सुंदर सुडौल, ज्ञान विज्ञान का दीपक मालूम होता था, बड़ा इंटेलिजेंट ऐसा व्यक्ति सामने से चला आ रहा था। विदुर जी ने बड़े कौतूहल से देखा कि परमात्मा ने कितनी सुंदर रचना की है। वे सोच ही रहे थे कि ब्राह्मण पुत्र बराबर वाली पगडंडी से आगे निकल गया, ये अपनी पगडंडी से आगे चले, थोड़े आगे चले
तो उन्हें एक धमाके की आवाज सुनी, जैसे कोई चीज गिरती है तो आवाज हुई, ये चौके। पीछे फिर कर देखा तो क्या देखते हैं कि ब्राह्मण पुत्र अंतर ध्यान हो गया, दिखाई नहीं दिया, कहां गायब हो गया, कहां चला गया। ये बड़े सोच में पड़ गए। इतना हृष्टपुष्ट व्यक्ति अभी जा रहा था, अभी कहां गायब हो गया। ये लौटे और जिस पगडंडी से वे ब्राह्मण पुत्र जा रहा था उस पर चले। आगे जाकर इन्होंने क्या देखा कि आगे एक बहुत बड़ा गड्ढा है, घास से ढका है। इस ब्राह्मण पुत्र में एक खास बात थी, एक चीज नोट थी कि ये सब गुण संपन्न था, लेकिन उसे अपने गुणों पर गर्व था, अभिमान था, अहम था उसमें। इसलिए वो नीचे देखकर नहीं चलता था, ऊपर देखकर ही चलता था, दृष्टि ऊपर करके चलता था, नीचे करके नहीं चलता था। ये उन्होंने नोट किया हुआ था कि इसमें थोड़ी सी खराबी है। तो इन्होंने सोचा पाए का मत नहीं, जिसे प्रभु प्रभुता देता है उसे घमंड आ ही जाता है। देखते हैं बड़े बड़े अफसर छोटे आदमी नमस्कार करें, गर्दन भूल से हिल गई तो हिल गई, नहीं तो नहीं। ये बात है प्रभुता पाए काय मदराही, घमंड आ ही जाता है। अजीब बात नहीं, लेकिन इसमें भी अहंकार है। उन्होंने ये नोट किया हुआ था। जब ये गड्ढे के पास पहुंचे तो क्या देखते हैं, उस गड्ढे के किनारे एक पीपल का पेड़ लगा हुआ है। उस पीपल के पेड़ की जड़ें आधी गड्ढे में हैं और आधी अधर में हैं, और ये गड्ढा घास से ढका हुआ है। उन्होंने झांक करके देखा, घास हटाई तो क्या देखते हैं कि ब्राह्मण पुत्र जो जा रहा था इस गड्ढे में पड़ा हुआ है, और उसका सर नीचे है, टांगे ऊपर, गिरा सिर के बल था, नीचे देखकर चलता नहीं था, ऊपर देख के चलता था। उसे नजर नहीं आया कि गड्ढा था, मैं गिर पड़ा। ऐसा हुआ कि उसकी टांगे जो हैं पीपल के पेड़ में अटक गई, उसकी जड़ में फंस गई, टांगे फंसी, टांगे ऊपर, बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद होश आया तो देखना शुरू किया, देखा गड्ढे में नीचे सांप बैठा है, कोबरा, जहरीला सांप फन उठाए बैठा है। सांप देखा, भगवान को बड़ा धन्यवाद दिया, हे प्रभु तूने बचा लिया, अगर गड्ढे में गिरता तो ये सांप मुझे डस लेता। उसके बाद उसने इधर उधर देखना शुरू किया, ऊपर देखा तो क्या देखता है कि पीपल के पेड़ की जड़ें जिसमें उसकी टांग फंसी हुई है, उन जड़ों को तो चूहे काट रहे हैं। एक सफेद चूहा है और दूसरा काले रंग का चूहा है, एक एक साइड से काट रहा है जड़ें, और दूसरा दूसरी साइड से काट रहा है, एक इधर से काट रहा है, एक उधर से काट रहा है। और इसे डर लगा, इसके मन में भय हुआ कि यदि ये बराबर काटते रहे और ये जड़ कट गई और सांप भी गया नहीं, वहीं रहा उस गड्ढे में, तो मैं गिर जाऊंगा और फिर मारा जाऊंगा। खतरा देखा, बड़ी मन के अंदर चिंता आशंका हुई, ये क्या हुआ। थोड़ी देर बाद भूख लगी और प्यास लगी, और घबराया कि यह तो खाने का कोई साधन ही नहीं, बेट है, खाने पीने के लिए तो कुछ नहीं है। सामने मौत नजर आई तो क्या देखता है कि ऊपर से कोई तरल पदार्थ टपक रहा है। हाथ बढ़ाकर देखा
तो देखा ये तो शहद है। अरे शहद कहाँ से आया? ऊपर निगाह डाली तो देखता है कि पीपल के पेड़ की टहनियों में शहद का छत्ता लगा है और कई छत्ते हैं, और जब हवा चलती है तो शहद छत्ते से बाहर टपकता है। उसने कहा कि हे परमात्मा, बड़ी कृपा की मेरे ऊपर, जीने का आधार बना दिया, जीवन दे दिया, और नहीं तो भूखा प्यासा मर गया होता। ग्लूकोज पैदा कर दिया, अभी ये व्यक्ति सारी बातों को भूल गया, सांप को भी भूल गया कि नीचे बैठा है, चूहों को भी भूल गया कि जड़े काट रहा है, ये भी भूल गया कि मैं उल्टा लटका हूं। अब परमात्मा से एक ही प्रार्थना करता है कि ये प्रभु शहद टपकाओ, शहद टपकाओ, और शहद और शहद। परमात्मा से निरंतर यही प्रार्थना करता है कि हे प्रभु शहद टपकाओ, शहद टपकाओ, शहद टपकाता है। परमात्मा चाटता है, खाता है, प्रार्थना करता है कि शहद और शहद और शहद। और कभी कभी क्या होता है कि शहद की मक्खियाँ भिनभिना उठती हैं, तेज आंधी आई, मक्खियाँ भिनभिनाई, चारों ओर फैली और उसको काटती हैं तो रोता है, हाय मरा, हाय मरा, हाय मरा, शरीर को पीटता है, रोता है। लेकिन जब मक्खियां शांत हो जाती हैं, हवा बंद हुई, तो छत्ते में जाकर बैठ जाती हैं, धीरे धीरे उनके डंक निकालता है। जब डंक निकल जाते हैं तब शरीर में शांति हुई तो फिर कहता है कि हे प्रभु शहद चाहिए, शहद टपकाओ, शहद टपकाओ, और शहद और शहद और शहद। ये कथा विदुर जी ने धृतराष्ट्र को सुनाई और उसके बाद कहा कि भाई साहब, आपके ख्याल से जो बड़ी बड़ी डिग्रियां इसके पास हैं, PhD, तरह तरह के सब्जेक्ट में PhD है, बड़ा हाईली इंटेलेक्चुअल, ऐसा व्यक्ति, इसकी ऐसी दशा है, आपके ख्याल से ये कैसा है? धृतराष्ट्र से पूछा कि आपके विचार से ये कैसा है? भाई ने जवाब दिया हंस के कि महामूर्ख है। तब विदुर जी ने कहा कि भैया क्यों मूर्ख है, इतना पढ़ा लिखा है, आप कहते हैं कि महामूर्ख है। कहा कि मूर्ख तो है ही। कहा क्यों मूर्ख है आप भाई साहब, उसको मूर्ख क्यों बताते हैं? इसके पास तो बड़े बड़े सर्टिफिकेट हैं, बड़ी बड़ी पढ़ाई की हुई है। कहता है गड्ढे में पड़ा है, उल्टा लटका है, नीचे कोबरा बैठा है, इस गड्ढे से निकलने की कोशिश नहीं करता, और शहद मांगता है, और शहद मांगता है, इससे मूर्ख कौन होगा? तब विदुर जी बहुत हंसे और हंसने के बाद कहने लगी, भाई साहब सत्य यही है कि 1000 पीछे 999 की स्थिति यही है व्यक्तियों की, जो वह कोबरा बैठा है वह हमारी मौत है, जरूर आना है। ये जो पेड़ की जड़ों में चूहे बैठे हैं, एक काला एक सफेद, ये दिन और रात हैं, एक दिन खत्म होता है, एक रात आती है, एक रात खत्म होती है, एक दिन आता है, 24 घंटे आपकी जिंदगी के खत्म हो गए, एक दिन हमारी जिंदगी का कम हो गया, दूसरा कम हुआ, तीसरा कम हुआ, इस प्रकार एक एक करके समय जाता रहता है। साल बर्बाद बच्चा, एक साल का हो गया, एक साल गया, हम खुशी मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं, जब 50 साल की हो गया तो और ज़्यादा खुशी मनाते हैं, 50 साल का हुआ तो और बड़ी दावत देते हैं। मनाना तो हमें अफसोस से ही है कि 50 साल बेकार हो गए,
और कितने दिन रह गए? एक तो दिन कम होता चला जा रहा है। सफेद चूहा, काला चूहा जो पीपल की जड़ें काट रहे हैं, वे दिन रात है। सच तो यह है कि जिस दिन ये चूहे पीपल की पेड़ को काट देंगे, जड़ों को, हमारी जिंदगी के साथ खत्म हो जाएंगे, हम गिरेंगे, हमारा जो काल बैठा है कोबरा वो हमें डस लेगा। वे हमारा काल है, जन्म होते ही हमारा काल भी निश्चित हो गया। कहते हैं एज श्योर एज डेथ, इंग्लिश में कहते हैं एज श्योर एज डेथ, मृत्यु से ज्यादा असंभावी कोई दूसरी चीज नहीं है, जरूर आनी है। अगर ऐसी कोई चीज है जो घटना जरूर घटेगी, बगैर घटे माने के लिए, वह मृत्यु है, जरूर आएगी। ये भी मालूम है कि जब पैदा होते हैं तो माँ के गर्भ में उल्टे लटकते हैं, परमात्मा से बड़ी मिन्नतें करते हैं कि हे प्रभो इस काल कोठरी से निकाल, नरक से, तेरे चरणों में लगूंगा ताकि फिर ये दोबारा ही कारागार ना भुगतना पड़े। बड़ी परमात्मा से प्रार्थना करते हैं और ईश्वर से जब संसार में आते हैं तो डॉक्टर क्या कहता है कि नर्स, डॉक्टर ने इसका तालुआ साफ कर दो। जीव जो नोक की नोक जो तालुए से लगी होती है, जो परमात्मा के में लगी हुई थी सूरत, वह हट गई, और थूक और थकार जीव में लगी हुई थी उसे भी हटा दिया। इससे व्रति वहर मुखी हो गई, बाहर देखता है दुनिया की तरफ ज्यादा इसकी वृत्ति हो जाती है, संसारिक वृत्ति, तभी से बचपन से। तो ऐसी हमारी अवस्था है, ऐसे ही परमात्मा से मिन्नत करके आए, हम देखते हैं सांस निश्चित है, लोगों को मरता देखते हैं, यह भी निश्चित है कि हम भी जाएंगे, बचेंगे नहीं, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, परमात्मा से शहद मांगते हैं। अगर मंदिर में भी जाते हैं तो यही मांगते हैं कि पोता दे, बेटा दे, बेटी दे, धन दे, अच्छी शादी हो, व्यापार बढ़े, इसीलिए जाते हैं। मंदिर में भी इसलिए जाते हैं, कौन ऐसा गरला गरला होगा जब परमात्मा के लिए परमात्मा को चाहेगा। शायद ही करोड़ों के पीछे एक भक्त होगा जो मंदिर जाता है परमात्मा के चरणों के लिए, हे प्रभु मैं तुझी को चाहता हूँ और कुछ नहीं चाहिए, मेरी अजब तमन्ना है, तुझी से मांगता हूँ, मैं तुझी को मांगता हूँ। ऐसा भक्त वही पार जाएगा, वही संसार के पार जाएगा, वही जीवन का सच्चा लक्ष्य पूरा कर सकेगा, वरना हम जाते हैं तो यही मांगते हैं। तो हम इस संसार सागर के इस कुएं से बाहर निकलना नहीं चाहते। ये जो संसार है एक बहुत बड़ा कुआ है, एक बहुत बड़ी खाई है जिसमें हम फंसे हैं, जिससे हम बाहर जाना नहीं चाहते, शहद मांगते हैं। शहद डपकाओ प्रभु, और अच्छा, और धन, और पोजीशन, और मान। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।